बुलंदशहर थाना अगोदा क्षेत्र के गांव अकबरपुर रैना में एक विवाहिता ने अपने जेठ पर मारपीट करने का आरोप लगाया। महिला ने बताया कि मेरी शादी 6 वर्ष पूर्व गांव अकबरपुर रैना सुधीर जाटव से हुई थी। मेरे जेठ और जेठानी मेरे पति को बुरे तरीके से पीट रहे थे। मैंने जब जाकर बीच बचाव किया तो मेरे जेठ ने मेरी टांग पर ईंट मार दी, जिससे मेरी टांग सुन हो गई और मैं चलने फिरने से अपाहिज हो गई। क्या नाम है आपका? रीमा। हाँ जी। अच्छा, क्या मामला, कहाँ आपकी शादी कहाँ से हुई? यही रैना गुलावटी में हुई थी। रैना? रैना, अकबरपुर रैना। हाँ जी। थाना कौन सा लगता है? यही अगोता। थाना अगोता लगता? हाँ है। तो आप रहने वाली कहाँ की हैं? डोरली की, मेरठ की। तो डोरली मेरठ की रहने वाली हो आप। हाँ जी। आपकी शादी कितने दिन पहले हुई थी? मेरी शादी को 7वीं साल चल रही है। 7वीं साल। तो अब आपके साथ में क्या वारदात हुई, क्या घटना हुई आपके साथ? घटना क्या, जेठ ने ईंट मार दी, तपाई हो रही थी उनकी, मैं छूट छुटाना करने गई तो जिठानी ने पीछे से बाल पकड़े खींच लिए। मतलब जेठ और जिठानी में आपस में खुद की लड़ाई हो रही थी? नहीं नहीं, मेरे पति के साथ में लड़ाई हो रही थी, मैं छूट छुटावा करने के लिए गई तो पीछे से मेरा बाल पकड़े खींच लिए जिठानी ने। फिर आपकी क्या करा फिर जिठानी ने? जिठानी ने वो मैं जेठ ने पीछे से मेरे ईंट मार दी, मेरी वो मार ली, घर वाली मार ली, उसने मेरे नीचे मुझे दबोच लिया और मेरी उसने ईंट मार दी जेठ ने पीछे से। आपके कहाँ चोट लगी? मेरे यहाँ कूल्हे पे चोट लगी है। तो आपका कूल्हे टांग काम नहीं कर रही? नहीं जी। आप चल नहीं पा रहे उस टाइम पे? अच्छा, तो इसमें कब की घटना है ये? 14 तारीख की घटना, 14 तारीख की शाम को। इसी 14 तारीख की? हाँ जी। 14-12। हाँ जी। इसमें के बाद में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया? नहीं जी। कर क्या कार्रवाई की पुलिस ने अब तक इसमें? कोई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। आज जो आप एसएसपी ऑफिस आए हो, यहाँ पर आप एसएसपी से मिले हो, यहाँ पर क्या क्या